मिलना है, आपने खुद गाड़ी छोड़कर नीचे उतरी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी हर किसी को करना चाहिए, उनकी भी एक मांग है परमानेंट करना। बिल्कुल ठीक बात है, बट मेरी इस दौरान मेरी बिटिया की शादी थी, मैंने सब लोगों से यही कहा, मैं नहीं कर पाई बात, मैं ज़्यादा वहाँ रही। अब मैं कल ही वहाँ से आई हूँ, रात को 11 बजे पहुँची थी। अब उसके बाद मैं सीएम साहब से यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उसी मांग को कर, और ये मानवता हर किसी को दिखानी चाहिए, चाहे आप मिनिस्टर हो, MLA हो या आम आदमी। सीएम साहब ने इतनी बड़ी बात इस बार रखी थी बजट में कि अगर आप किसी को ले जाते हैं तो आपसे ना तो ये पूछा जाएगा एक्सीडेंटल केस में आप क्यों लाएं, क्योंकि लोग इसलिए घबराते थे, और इवन उसको 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे, शायद यही है ना, 5,000 तो ये दिया जाएगा। तो ये तो सीएम साहब की ही सोच है, और किसी को अगर वो लाए हैं और वो उससे चला नहीं जा रहा तो इतना तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उसको हम एडमिट कराएँ। लेकिन उसका कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है फ्रैक्चर, मैक्सिमम हेयर लाइन है शायद, अभी कंफर्म हो जाए। महिलाओं के मामले में ग्राफ बढ़ रहा है, किस चीज़ में? महिलाओं के अपराधों के मामले में क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली अपराध बढ़ना नहीं कह सकते, ये एक सीएम साहब की ही बहुत अच्छी पहल थी कि अगर कोई महिला अपने उसको लेकर आएगी तो आपको FIR करनी पड़ेगी, पहले उनकी FIR दबा दी जाती थी। तो ये तो मैं अपनी सरकार की बहुत अच्छी पहल कहूँगी कि उन्होंने औरत को एक मौका दिया है कि अपनी उसकी आवाज़ हर जगह पहुँचे, और उसके साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो वो सबके सामने यूरिया की किल्लत चल रही है, किसान भटकते फिर रहे हैं लंबी लंबी लाइनों में। असल में इसमें कंट्रोवर्सी आ जाएगी अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो। नहीं, फिर भी मैम क्या मानते हैं? वो तो व्यवस्था हो जाएगी, बट लेकिन केंद्र ने टाइम पे ऑर्डर नहीं दिया, वो सारी बातें फिर आप ये कहोगे कि BJP को कर रहे हैं, सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी सीएम साहब इस बार सीएम साहब जैसी सोच हो, अधिकारी सही हो तो जरूर रोक सकते, सीएम साहब इसको जरूर रोक के दिखा। ठीक है मैडम।